दोस्तों, मैं हूं कपिल आदर्श, स्वागत है हमारे मिसल कपिल इनफील्ड पे। दोस्तों तो आधा समय लिखा हूँ हिमालयन हानले ब्लैक 450 जो अभी नया लॉन्च हुआ है। इस बाइक का आपको लुक दिख रहा होगा, तो लुक है ना बहुत ही ज्यादा अलग कर दिया है, मतलब इस बाइक में अब जान डाल दी है। तो आप पहले एक बाइक के अंदर एक बार लुक देखो, साइड साइड से आपको लुक भी दिख रहा होगा, सिनेमैटिक शॉट्स आप देख चुके होंगे इस बाइक के। तो कमेंट कर बताओ आपको सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे और बाइक के जो आपको लुक है ना वो लुक कैसे लगा, सब कमेंट करके बताओ। अभी हम ना पहले इस बाइक के बारे में बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। बाइक का जो इंजन है कम्प्लीटली चेंज है। अगर आपको मैं क्लोजअप से दिखाऊँ ना, तो जो इंजन का स्पॉकेट है ना पिस्टन वाला, ये पूरा चेंज है। और आप देखो कहाँ से पिस्टन का ना, पिस्टन का मतलब इतना छोटा साइज बना के दिया है इस बार इंजन का। जैसे पहले बल्कि इंजन था रॉयल फील्ड के अंदर, वो बल्कि इंजन नहीं दिया है आपको, और अभी ये बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया आपको पिस्टन की जो क्रैंक है। अभी बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो बाइक का जो इंजन है 452 cc का इंजन है, 39.47 bhp का इंजन जो 40 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपको 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। बाइक का क्रैप वेट है 196 kg। इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा लिक्विड कूल इंजन आपको मिलने वाला है, साथ में आपको स्पोक्स व्हील मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बाइक के बारे में। देखो आपको इस बाइक के अंदर मैक्सिमम पार्ट्स देखने को मिलेंगे फाइबर के, मेटल के पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले। फाइबर के पार्ट्स देने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि बाइक का जो क्रैप वेट है वो कम करने के लिए, क्योंकि बाइक वैसे ही बहुत बल्की होगी, आपको बल्कि बाइक दिख रही होगी। और अगर आपको मैं हाइट दिखाऊं बाइक की, तो मेरी हाइट 5'9" है, आप देख सकते हो बाइक की हाइट कितनी ज़्यादा है। तो अगर इस बाइक में मैक्सिमम पार्ट्स जैसे रॉयल फील्ड की बाकी बाइक में मेटल के आते हैं, इसमें आपको मेटल के पार्ट्स सारे मिल जाते, तो इसका बाइक का वेट और बढ़ जाता, जिससे आपको बैलेंसिंग और हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, और ऑफ रोडिंग के टाइम पर भी आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती। तो अब हम बात करेंगे बाइक में आगे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मिलेंगे शोआ के अपसाइड डाउन शॉकर देखने को मिलने वाले हैं, जो शॉकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं आपको रोड कंडीशन पे, जहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए आपको मस्ट ये शॉकर अच्छी सी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ में आपको आगे का टायर मिलेगा 21 इंच का, जो काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा टायर है, और पीछे का टायर आपको मिलेगा 17 इंची में, तो 17 इंच का भी टायर काफ़ी सही है। आगे कुछ इसका लुक ऐसा है, और आपको इसमें मिलेगा यहाँ पे पूरा गोल्ड प्लेटेड आपको रिम मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा है। और आगे से अगर आप इंजन के साइड में अगर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेडिएटर जो लिक्विड कूल आपके इंजन को कूलिंग देने वाला है। आपको हीटिंग का इशू इस बाइक में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, जैसे कि रॉयल फील्ड के इंजन बड़े होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं और कूलिंग में टाइम लगाते हैं, तो अब इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जो कि आपके इंजन को बहुत जल्दी कूलिंग देगा, ताकि आपको हीटिंग इशू इस इंजन में देखने को ना मिले। तो आपको न्यू हिमालयन के अंदर देखने को मिलेगा डिजिटल मीटर मिलने वाला है, जो एक काफ़ी अच्छा लुक मतलब आपको बाइक में दे रहा है, कि मतलब अब आपको फील लगेगा कि आप रॉयल एनफील्ड नहीं, आप कोई और बाइक चला रहे हो। पर वैसे तो मैं आपको बस नहीं बताऊं भाई, रॉयल एनफील्ड पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है, मुझे क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में रॉयल एनफील्ड पे लोगों को आँख बंद करके ट्रस्ट है, इसकी क्वालिटी के ऊपर, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। तो अब साथ में जैसे आपने मीटर देख लिया, मीटर कंसोल कैसा है, मीटर के स्विच आपको मोड स्विच आपको मिलेगा यहाँ पर, और मोड स्विच को चेंज करने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर एक जॉयस्टिक, और होम बटन मिलेगा आपको यहाँ पर, जिससे आप दबा के होम पे जा सकते हैं, और ये मिलेगा आपको जॉयस्टिक जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, तो अब तक ना किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि अगर आप मोड बटन को प्रेस करके रखोगे ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर है आपको इसमें दिखेगा डिजिटल मीटर, आपको जो स्पीड है डिजिटल दिखाई दी गई। अगर आप उसको फिर से प्रेस करके रखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एनालॉग मीटर, जिसमें आपको स्पीड यहाँ पे आएगी, आपका RPM यहाँ पे शो करेगा। और अगर दोस्तों बात करें हैंडल के, तो हैंडल के जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद में बात करें, हैंडल के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे आपको फ़ोन चार्जर 5W 2A का टाइप सी चार्जर मिलेगा आपको देखने को, काफ़ी बढ़िया है आपके फ़ोन को और कैमरे को चार्ज करने के लिए। अब साथ में आपको ना इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा देखने को, जिस ABS का आप स्विच भी कर सकते हो, जैसे पहले हिमालयन में आया था पीछे का आप ABS बंद कर सकते हैं ऑफ रोडिंग के टाइम पर, आगे का ABS आपने ऑन कर सकते हैं, तो सेम चीज़ आपको वो इसमें न्यू हिमालयन में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों एक और चीज़, न्यू हिमालयन पे रॉयल एनफील्ड ने कम से कम 2.5 साल से ऊपर का रिसर्च है, जब जाके रॉयल एनफील्ड ने आपको ये बाइक बनाकर दी है, और इस बाइक का तो लुक है ना बहुत शानदार, इस बात बहुत बनाकर आपको लुक दिया है। और इस बाइक में तो भाई जितनी खूबी है ना, वो खूबी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, एक बार आप इस बाइक की टेस्टेड जरूर लेके देखें ना, पता लग जाएगा आपको इस बाइक के अंदर कितनी खूबियाँ हैं। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेडलाइट के ऊपर, तो आपको हेडलाइट मिले कम्प्लीटली LED देखने को मिलने वाली है, ये आपको लो बीम में, ऊपर का मिलेगा आपको हाई बीम के लिए, और साथ में आपको मिलेगा LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। इंडिकेटर के साथ साथ आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, जो अभी रॉयल एनफील्ड में ही सिर्फ आई है। तो अगर आप ये पीछे के बैक इंडिकेटर देखेंगे, आपको ब्रेक लैंप आपको इंडिकेटर के अंदर देखने को मिलेगा, ये देखिए। अब बता कि ये किसी और बाइक में चीज़ देखने को आपको नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आपको देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड के अंदर, जिसमें आपको इंडिकेटर्स के अंदर ही आपको ब्रेक लैंप आपको मिलेंगे, पीछे से आपको अलग से कोई ब्रेक लैंप नहीं मिलने वाले, आपको इंडिकेटर के अंदर मिलेंगे, जो LED और काफ़ी अच्छी आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करके देगा। अगर हम राइट साइड की बात करें, तो ये आपको मिलेगा इंजन जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है,
जो आपको नया इंजन मिलेगा सिर्फ हिमालयन के अंदर, और ये अभी न्यू हिमालयन में ये इंजन आया। हो सकता है ये इंजन आपको और बाकी दूसरे बाइक में देखने को मिले, जैसे कि मीटोर के बाद नया इंजन आ गया था क्लासिक के अंदर, फिर क्लासिक से आ गया स्टैंडर्ड के अंदर, हो सकता है ये वाले इंजन भी आपको दूसरी बाइकों में देखने को मिले। दोस्तों बात करेंगे बाइक के एग्जॉस्ट नोट की, तो एग्जॉस्ट नोट आइडल पर कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो आइडल का एग्जॉस्ट नोट तो कुछ ऐसा है, पीछे से भी इस तरीके का साउंड आ रहा है, और थोड़ा सा ट्रॉटल दूंगा, थोड़ा ट्रॉटल दूंगा ना, तो आप सुनिए साउंड। तो कमेंट कर बताओ आपको हिमालयन का साउंड कैसा लगा है। अभी ये आइडल पे है, एक बार और सुनिए इंजन साउंड सुना, अब एक्चुअल साउंड सुनिए। तो कमेंट कर बताओ कि आपको हिमालयन का साउंड कैसा लगा। और आपको बात करें सीटिंग हाइट के बारे में, तो भाई मेरी हाइट 5'9" है, उसके हिसाब से सीटिंग हाइट दिखाता हूँ आपको। सीटिंग हाइट एडजस्टमेंट मिलने वाली है, जिसमें आप सीटिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, 845 और 825 आप सीट को निकालेंगे, सीट के नीचे आपको नॉब होगा, उसको अप डाउन करके सीटिंग हाइट को अपनी 21 और डिक्रीज कर सकते हो, जो कि ज़्यादा लंबे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रॉयल एनफील्ड निकाल के दी, कि लंबे लोगों को प्रॉब्लम होती थी बाइक चलाने के लिए, तो उनके प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाले। साथ में छोटी हाइट वालों के लिए भी प्रॉब्लम थी बाइक चलाने के लिए, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है रॉयल एनफील्ड, कि भाई छोटी हाइट वाले भी एडवेंचर बाइक लेके अच्छे से इसका कंफर्ट और राइड का एक्सपीरियंस गेन कर सके। अब एक और चीज़ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो मेरी हाइट 5'9", तो मेरे पैर स्टेबल नहीं है, थोड़े बंदे पे हैं, पर अगर आप छोटे राइडर भी हो तो भी आपके पैर इसमें आराम से आ जाएंगे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलने वाला है भाई, जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक की सेगमेंट एडवेंचर बाइक के अंदर आया है। वैसे अभी तक किसी बाइक में 230 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर जहाँ तक मुझे पता है कि रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन न्यू हिमालयन के अंदर ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया है, कि एक रोड कंडीशंस पे जहाँ पर रोड होते हैं या जहाँ पर रोड नहीं होते, जिनको बोलते हैं ऑफ रोड या पहाड़ियों पे या ऐसी जगह पे जहाँ लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती थी नीचे से बाइक लगने की या टिकने की, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। तो आप बेफिक्र रहिए, 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जो बड़ी बड़ी SUVs में आते हैं वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको हिमालयन में देखने को मिलने वाला है। एक और चीज़ मैं बताऊँ राइट साइड में ही, जैसे अगर आप देखेंगे एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट मिलेगा आपको नीचे, और ये मिलेगा सिर्फ आपको मफलर कवर। एग्जॉस्ट को नीचे देने का रीज़न क्या होता है, कि देखो अगर आपका एग्जॉस्ट राइट साइड में होता है तो बाइक का वेट ना एक ही साइड में होता है, एक साइड में होने की वजह से बाइक की थोड़ी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो रॉयल एनफील्ड ने क्या करा है, एग्जॉस्ट को नीचे डाल दिया, ताकि आपको बैलेंसिंग एक बहुत अच्छी मिले देखने को, ताकि आपकी बाइक को एक प्रॉपर बैलेंस मिले, आपका वेट राइट साइड में ना झुके ना लेफ्ट साइड में झुके। बाकी अगले आपको वीडियो मिलेगा राइड रिव्यू, जिसमें आपको दूंगा सारी डिटेल, बाइक की चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी पावर कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, और पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बाइक का कैसा है, आपको उसको देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करो साथ में, और आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करो कि आपको इस बाइक का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा है, क्या आप इस बाइक को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपका अदर क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप मुझे वहाँ से ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलूंगा ऐसी अमेजिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।